सौ पुराने 600 साल से मनाया जा रहा है और इस त्यौहार में हम मुगलों के लिए विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं और ये बहुत ही अच्छे से आनंद से मनाते हैं। बंदूक और फायरिंग करते हैं हम, इसके अलावा हम आतिशबाजी करते हैं पटाखों के साथ और अपने त्यौहार को हम हर्षो उल्लास से मनाते हैं। आज के दिन आप समझ लो लगभग पूरे भारत से लोग आते हैं और विदेशों से हमारे एक ख्याति प्राप्त हो गई है, तो विदेशों से भी बहुत सारे मेहमान पधारते हैं। उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है हमारे यहाँ पे और अच्छे सोने की और खाने की व्यवस्था की जाती है। बाहर से आए मेहमानों का बढ़िया स्वागत किया जाता है यहाँ पे। दिनेश मेनारिया नाम है, हमारे बाप दादाओं ने पहले मुगल की फौजों को काटा थी, उसके उपलक्ष्य में सब उसी के उपलक्ष्य में सारे गांव वाले आपके दिन इकट्ठा होकर ये प्रोग्राम मनाया जाता है। सब अलग अलग दिशाओं से अपने मसाले तलवार लेके आएंगे, फिर ये प्रोग्राम होने के बाद में तलवारों की भयंकर खेल भी खेली जाएगी। मेनारिया और जो हम जमरा भी मनाते हैं तो 1600 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह जी के समय में जगह जगह मुगलों की छावनियाँ पड़ी हुई थी और उनका आतंक था और जिस समय उधम नगर की छावनी पर सक्तावतों और चुंडावतों ने उसको हटाया, उसी दिन मेनार के वासियों ने भी यहाँ की छावनी पर धावा बोला और कई वीर हमारे भी शहीद हुए, लेकिन उनके ऊपर हमने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की। और उसी खुशी में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन हम ये जमरा बीज का त्यौहार मनाते हैं और ये रात्रि भर कार्यक्रम चलता है जिसमें गांव की महिलाओं से लगा के पुरुष सभी भाग लेते हैं और मध्य रात्रि को घेर खेली जाती है और बंदूकों की सलामी दी जाती है और पांच हास के व्यक्ति हैं तो पांचों दिशाओं से मसाले आती है और एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सेना को परास्त किया था वैसा ही दृश्य आज के दिन जमरा बीज के दिन देखने को मिलता है कि कैसे बहादुरी के कारण कार्यकुशलता के दम पर यहाँ के लोगों ने मुगलों की सेना को परास्त किया। ऐसे ही हर समय से आकर यह मुगलों को उसी का दौरान होता है और हमें हर्ष होता है कि बड़े बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने पारंपरिक परिधान में वो रहते हैं, पगड़ी सर पर रहती है और सबके हाथ में हथियार रहता है और इस प्रकार का दृश्य देखने को लूट लूट से लोग दर्शन करने आते हैं। तो आज मैं भी इस कार्यक्रम में शरीक हुआ और हर वर्ष मुझे आने का अवसर मिलता है। मैनार के इस ऐतिहासिक जमरा बीज के त्यौहार में आज हम साहब के साथ ये ऐतिहासिक और गर्व की धरती है, यहाँ से पूरे राजस्थान को ही नहीं पूरे भारत को एक सीख लेनी चाहिए और इसे ऐतिहासिक धरती को आकर एक बार नमन करना चाहिए।